ये तस्वीर कोई आम तस्वीर की तरह नहीं है। ये भारत के संस्कार हैं, समर्पण हैं, संवेदना है, शिक्षा है और सेवा है। शायद ये मान सम्मान किसी एक्टर को ना मिला हो जो अरुण गोविल को मिला है। रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को एक शख्स और एक औरत ने जब उनको देखा तो उनके आगे नतमस्तक हो गए। वो सीधा उनके पैरों में गिर गए, उनके आगे घुटने टेक कर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। अरुण गोविल हाथ जोड़कर बार बार महिला से उठने की विनती करते रहे, लेकिन महिला को तो उनमें अपने प्रभु श्री राम नजर आ रहे थे। लाख समझाने के भी महिला उठने को तैयार नहीं थी। महिला अरुण गोविल में राम की छवि देख रही थी। साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण टीवी पर दिखाई गई थी। अरुण गोविल ने इसमें श्री राम का किरदार निभाया था। कहते हैं जब रामायण टीवी पर आया करता था तो सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था, लोग टीवी से चिपक कर बैठ जाया करते थे। टीवी पर भगवान श्री राम को देखकर उनकी पूजा होने लगती थी। अरुण गोविल ने प्रभु श्री राम के किरदार को ऐसा निभाया कि लोग यही मानने लगे कि प्रभु श्री राम ऐसे ही हैं। अरुण गोविल ने द कपिल शर्मा शो में बताया था कि लोग उन्हें सचमुच में पूजने लग गए थे। वो जाते लोग पैर छूने के लिए टूट पड़ते। लेकिन आज रामायण को टीवी पर आए 35 साल हो गए हैं, लेकिन अरुण गोविल की छवि बिल्कुल भी धुंधली नहीं हुई। लोग जब आंख बंद करके प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो एक छवि उन्हें अरुण गोविल की दिखती है। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम अरुण गोविल की तरह ही मुस्कुराते होंगे, उनकी तरह बातें करते होंगे और उन्हीं की तरह प्रेम करते होंगे। सालों बाद किसी एक्टर के लिए इतना प्रेम और मान सम्मान देखना अपने आप में अद्भुत है। कई लोग कहते हैं कि भारत में एक्टर्स को सम्मान नहीं मिलता और बायकॉट किया जाता है। आज वो लोग इस तस्वीर को देख लें और समझ लें, जब एक्टर किसी किरदार को शिद्दत से निभाता है तो उसे ऐसा मान सम्मान और आदर मिलता है। आपको प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाला सबसे बेस्ट एक्टर कौन लगता है, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।